मनोभूत्यहंकार चित्तानि नाहम्। तुम्हारा साया इस घर पे पड़ा है, इस घर की बर्बादी शुरू हो गई। Get out! Get out! Get out! Get out! उर्वशी, उर्वशी इन्हें अंदर आने दो। बेटे की शोक सभा में आपने मुझे इस तरह से अपमानित किया, मेरी गलती क्या? गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो हमारी है कि हमने अपनी बहू पर नहीं तुम जैसे इंसान पर भरोसा किया। कितनी बड़ी कीमत चुकाई है हमने तुम्हारे षड्यंत्र की, तुम्हारे झूठ की। इससे पहले कि तुम्हारी असलियत सामने आती हम तो अपने बेटे को खो चुके थे। इतनी बड़ी सजा दी है हमें भगवान ने कि हमें तो हमारे बेटे का शव तक नसीब नहीं हुआ है। हमारे कुणाल रोज डायरी लिखते थे, पिंडदान के समय उनकी डायरी पर हमारी नजर नहीं पड़ती
तो तुम्हारी असलियत तो कभी सामने नहीं आती। ये क्या कह रहे हो तुम? इस इंसान ने हमारे घर में अंधेरा कर दिया है। हमारे पूरी परिवार की आंखों में धूल झोंकी है इसने। पाप हमारे कुनाल ने नहीं, तुमने किया है। आज के बाद हमारे घर में कदम रखने की भी कोशिश मत करना। अगर तुमने हमारे परिवार की ओर आंख उठाकर भी देखा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। करण से यहां से बाहर ले जाओ उसके पहले कि हम अपने होश और आवाज खो बैठे। जाने से पहले कुणाल ने मुझसे वादा किया था कि उनकी वापसी पर तुम इस घर में नहीं रह पाओ। आज मेरे कुणाल का वादा पूरा हुआ। आज ये विधवा तुम्हें श्राप देती है, जिंदगी भर इसी तरह तुम अपमानित होती रहोगी। जिंदगी भर इसी तरह तुम अपमानित होती रहोगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक ये अपमान तो कभी नहीं भूलूंगी। आज आपकी इसी चौखट पर मैं कसम खाती हूं कि आपकी जिंदगी और आपके इसी घर में मैं वापस लौट कर आऊंगी। इसी वक्त धक्के मारकर इस घर से निकल। मैं आपके परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगी। इस परिवार में एक दूसरे की अस्थियां उठा लेना है किसी को नहीं छोड़ूंगी। आज मैं ये प्रण लेकर जा रही हूं। Get out! Get out! Get out! Get out! चलता हूं करण बेटे, ईश्वर कुणाल की आत्मा को शांति दे। अभी तक यहां क्या कर रहे हो? गेट आउट, गेट आउट। मां क्षमा चाहते हैं बाबा, आज हम अपने आप को रोक नहीं पाए। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है मां, तुमने तो झूठ के खिलाफ होने वाली जंग की शुरुआत की है। जंग होनी तो अभी बाकी है।
आपकी तरह राजनीति में सभी से फिजूल की दोस्ती निभाने की आदत नहीं है मेरी। यमदा देवी का खानदान विशाल प्रदेश को अपने बाप दादाओं की जागीर समझता है। जिस तरह मेरी दोस्ती कभी खत्म नहीं होती ना, उसी तरह दुश्मनी भी कभी खत्म नहीं होती। और अभी आपने देखा है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। भागो जी, नमस्कार। आप तो करण प्रताप के आदमी हैं? जी हाँ, मैं करण प्रताप सिंह के साथ काम करता था। सीएम साहब के ऑफिस से हमारे दरबार तक कैसे पहुंच गए? मैं आपसे हाथ मिलाने के लिए आया हूं। बाबा जी, मेरे पास करण प्रताप सिंह की सरकार के वो राज हैं जो अगर खुल जाएं तो न तो उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचेगी और ना ही उनकी सरकार बचेगी। पर उनकी क्या दुश्मनी थी मेरे पति के साथ? क्यों मारा उन्होंने? जगदीशपुर के हेलीपैड के आसपास के जंगलों में ड्यूटी थी उसकी। वहां नक्सलियों की फोन पर हुई बातों की फ्रीक्वेंसी कैच कर उसे रिकॉर्ड करने का काम सौंपा गया था उसे, ताकि किसी बड़ी वारदात को रोका जा सके। उसी दौरान उसने एक सिग्नल कैच किया जिसमें कोई प्रियंबदा देवी के पुत्र कुणाल प्रताप सिंह के कत्ल का आदेश दे रहा था। ये बात उसने रिकॉर्ड कर ली। वो कुणाल प्रताप सिंह को रोकने के लिए गया, पर जब तक वो हेलीकॉप्टर के पास पहुंचता बहुत देर हो चुकी थी। मौत की रिकॉर्डिंग की टेप लेकर वो हेडक्वार्टर जा रहा था ताकि दुश्मनों को रोका जा सके, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही इन लोगों ने उसे पकड़ लिया। लेकिन इनके हाथ लगने से पहले उसने वो टेप जंगल में कहीं छुपा दी जिसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे के कत्ल का सबूत है। ए, चलो उठाओ इसे। क्या हो गया? बहन, लगता है वक्त आ गया। वो राजबहादुर ने जो नक्शा मुझे दिया था, मैंने वो नक्शा उस बॉक्स के पीछे रखा। तुम वो नक्शा लेकर, टेप लेकर वीर प्रताप जी के घर पर जाना। हम राजनीति में अपने किसी फायदे या लालच के लिए नहीं आए थे लाखा, बल्कि राजनीति में आकर हमने अपना सब कुछ खोया है। हमने ये सपना तो कभी नहीं देखा था ना कि राजनीति की वजह से हम अपने पति या अपने बेटे को खोएंगे। हम अब जो कुछ भी हमारे पास बचा है हम उसे नहीं खोना चाहते। माई, आपको नहीं लगता अगर आप राजनीति में नहीं होती तो जो हादसे आपके परिवार के साथ हुए हैं वो तब भी हो सकते थे? शायद हो सकते थे, लेकिन जिंदगी में तो वही मानना पड़ेगा जो हुआ है। उस दिन श्वेता ने ऐसी बात कह दी जो हमें बहुत बुरी लगी। उसने कहा हमसे कि हमने कुणाल को जगदीशपुर अपनी सरकार बचाने के लिए भेजा, अपनी राजनीति के लिए भेजा। बहुत कड़वी बात थी लेकिन शायद सच थी। हमने अपने कुणाल को राजनीति की वजह से खोया है। मैं समझ सकता हूं भाई, पर करण भैया बहुत अकेले हो गए हैं।
अकेले तो हम हो गए हैं लाखा, बिल्कुल अकेले। हमें भी करण की बहुत जरूरत है। कौन माँ चाहेगी कि अपने बच्चों के बगैर जिंदा रहे? उस माँ की जिंदगी तो अधूरी होती है ना। हम भी करण के साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब करण राजनीति को छोड़ दे। भाई, मैं तो ये उम्मीद करके आया था कि मैं आपको मना लूंगा। तुम हमारे करण को मनाओ, करण को मनाओ। तुमसे एक गुजारिश है, हमें अपने पति और अपने बेटे के हत्यारों का नाम चाहिए। भाई, हमारे जिंदगी का एक ही मकसद है, साहब जी के हत्यारे और कुणाल भैया के हत्यारे तक पहुंचना। हमको ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है, बहुत जल्दी हम अपने मकसद तक पहुंच जाएंगे। और मैंने करण प्रताप सिंह को इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि वो क्या कर रहे हैं। मैंने उनकी नाजानकारी में उनसे इस फाइल पर दस्तखत करा लिए जो कभी भी किसी भी वक्त उनको सड़क पर ला सकती है। क्या है इस फाइल में? बाबू जी, पूरा विशाल प्रदेश आजादी की लड़ाई के अमर शहीद रमाकांत जी की बहुत इज्जत करता है। उसके दिलों में रमाकांत जी के लिए जुनूनी हद तक मोहब्बत है, प्यार है, सम्मान है, और उनकी यादों के साथ खिलवाड़ करने वाले को, चाहे वो कोई भी हो, सबक सिखाने के लिए विशाल प्रदेश की जनता अपना खून तक बहा सकती है। स्वर्गीय वीर प्रताप सिंह ने उनकी याद में शहर के बीचों बीच जिस जमीन पर स्वर्गीय रमाकांत स्मृति पार्क बनवाया था, आज उसकी कीमत करोड़ों रुपए की है। और करण प्रताप सिंह ने बतौर मुख्यमंत्री उसी जमीन को कौड़ियों के भाव बेच दिया, और बेचा भी किसे? पुलिस रिकॉर्ड के ब्लैक लिस्टेड उस सटोरिए को जो अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ मिलकर क्रिकेट में सट्टा लगाता है। एक अमर शहीद की याद में हुए इस स्कैम की खबर जब आम जनता तक आएगी ना, तो नफरत की वो आग जलेगी, वो आग जलेगी कि करण प्रताप सिंह या उसकी सरकार के बुझाए तो नहीं बुझेगी। वाह पंडित जी, इसे कहते हैं दिमाग। वाह, काबिले तारीफ काम किया है तुमने। ये साइन भी असली है और तुम पहुंचे भी असली जगह हो। जी हाँ। तुमने अपना काम तो कर दिया, अब इन कागजातों का क्या करना है ये तुम हम पर छोड़ दो। तुम्हारा हमारा मकसद एक ही है, और हम इस मकसद में कामयाब जरूर होंगे। आगे आगे देखो होता है क्या।